हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का हिंदी में पार्ट 16 पानी रे पानी क्या पढ़ेंगे बच्चों? पानी रे पानी। बच्चों, आपको पता है पानी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमें सभी काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो नहाना है या कपड़े धोना है या खाना बनाना है। कोई भी काम करेंगे हमें पानी की आवश्यकता होगी। बच्चों, आपको पता है कई जगहों पे हमें पानी की बहुत दिक्कतें होती हैं। बड़े बड़े शहरों में भी हमें पानी मॉल में ख़रीदना पड़ता है। जैसे हम बच्चों और सामान खरीदते हैं ना, उसी की तरह हम पानी को भी खरीदते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पानी से संबंधित बातें करेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 16 पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब में पढ़ते समय हम जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। ठीक है बच्चों, हमने पानी कहाँ से आता और कहाँ चला जाता हमें पता नहीं होता है। हमने कहाँ पढ़ा है बच्चों? किताब की भाषा में, किताबों में पढ़ा है और जल चक्र के द्वारा भी जाना है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और यह लो फिर बढ़ती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गाँव या शहर। बच्चों, जो हम ये सम दूसरे चित्र में हमें बताया गया है, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, फिर बढ़ती हुई नदी, उसके किनारे बसा हमारा गांव हो चाहे आपका गांव हो। ठीक है बच्चों, और शहर जो बसे हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है। किस समय दिक्कत होती है? जब बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, कोई भी कार्य होता है, नदी में पानी, बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। आपको पता है ना बच्चों, अभी देखो कई बार अकाल पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, लोगों के पूरे घर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र में कुछ तीर भी बने हैं। समुद्र में उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल चक्र की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, जिसे जल चक्र पूरा कहा जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबें बातें। कौन सी बातें हुई बच्चों? यह बातें किताबें बातें हैं। अब तो हमें उसके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तरों में, जहाँ पे बच्चों हमारे मम्मी पापा काम करते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा काम करते हैं, दफ्तरों में, ऑफिसों में, कारखानों में, खेतों में, पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने दिखाई देता है। जब बच्चों हम ये सब जगह देखते हैं तो हमारे पानी का अलग सा माहौल होता है। ठीक है, सब जगहों पे पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह ऑफिस है, चाहे स्कूल है, चाहे पाठशाला है, चाहे खेत में, खेतों में भी बच्चों हमें सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस और दफ्तरों में भी हमें पीने के लिए और भी काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नलों में जब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठे नीर छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े भरते फिरो पानी को लेकर। कभी कभी आपस में तू तू और मैं भी होने लगती है। बच्चों, आपको पता है पानी के कारण जब पानी कई बार सुबह आ जाता है, बिल्कुल सुबह आ जाता है, कई बार बहुत रात में भी आता है, तो जब हम पानी भरते हैं बच्चों उसका कोई टाइम नहीं होता है। और कई बार हम नल खोलते हैं पानी नहीं आता, हर समय नहीं आता, वो टाइम से ही आता है। बच्चों अपनी उस समय हम अब क्या करते हैं, सभी जो हमारे घर में बर्तन होते हैं हम सब में पानी भर के रख लेते हो, चाहे डिब्बे हों। ठीक है बच्चों,
क्या है, जैसे डिब्बे, ये सब डिब्बे और ये सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं, सब में हम क्या करते हैं, पानी भर के रख लेते हैं। कई बार पानी भरते समय हम लाइन में भी लगाना पड़ता है। बहुत सी जगह ऐसी है बच्चों जहाँ पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है, वहाँ बर्तनों की लाइन लगी रहती है कि वो पानी भर के जाए। ठीक है, जब तक कई बार पानी के नंबर आता है तो लोगों से आपस में झगड़ा तो तू मैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हो जाते हैं रोज़ इन झगड़ों से बचने के लिए बच्चों, जो हम ये जो रोज़ झगड़ा होता है, इन झगड़ों से, झगड़े टंटों के से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है, या तो आपस में आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई और नहीं। बच्चों जो कई बार हम इस सब पानियों से और मुसीबतों से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में नलों के मोटर पाइप में मोटर लगा लेते हैं पाइप का। ठीक है बच्चों, जिससे हमें जो पानी है सब जगह जा रहा है वो हमारे ही नल पे आने लगता है, जल्दी से आता है, हम लोग भर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों हम तो पानी भर लेते हैं पर और लोग जो हैं उनको पानी भरने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक घर पर एक घर कर बैठे तो कई और घर यही करने लगते हैं, पानी की कमी बढ़ जाती है। बच्चों जैसे आज मैंने पाइप लगा लिया तो कल आपने भी मोटर लगा लिया, तो इससे क्या होता है, सबका पानी खींच के आपके पास में आ जाता है। तो लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी पड़ जाती है और पानी की दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानी दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों जब हम पानी को इस तरह से मोटर पाइप लगा लेते हैं तो पानी की दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत ही पानी हमारे पास, और बहुत जगहों पे क्या होता है बच्चों, पानी की इतनी दिक्कत हो जाती है कि बड़े बड़े जो शहर हैं, राजधानियाँ हैं, दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे तो भयानक कष्ट हो जाता है, क्योंकि पानी ना होने के कारण लोग मॉल में भी पैसा दे के भी पानी खरीदने लगते हैं। ठीक है बच्चों, और अकाल जैसी हालत बढ़ जाती है। ये कब की बात है बच्चों, गर्मी के समय की बात है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लोग सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारी तुम्हारी को घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। बच्चों जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है, सब जगह पानी इधर भी सड़कों पे बह जाता है, नदी नालों में, तालाबों में, सब जगह क्या होता है बच्चों, पानी पानी हो जाता है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो, तो पानी बढ़ जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते, इतना पानी बढ़ जाता है कि बहुत सारे जो हमारे देश हैं और हमारे जो राज्य हैं, कई जगहों क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में सब जगह पानी ही से डूब जाता है। यह बाढ़ गांवों को ना छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे शहरों को। जो बच्चों बाढ़ आती है तो ये नहीं देखती है कि गांव है या शहर, सब जगह अपना बहाव लेकर चलती जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ थम जाता है। जब बच्चों पानी का बहाव तेज हो जाता है, ट्रेन बंद हो जाती है, आने जाने के साधन बंद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी से उनका घर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकेंगे
और संभाल लें तो हमें समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बच्चों, ये हालत हमें जो ये सब हालत आ रही है, पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बरसात में और गर्मी के समय में, गर्मी के समय में आप देखेंगे नलों में पानी सूख जाते हैं, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना होता है। बहुत लोग तो क्या कहते हैं, बहुत सारे जगहों पर लोग मोल से पैसा लेकर पानी खरीद के लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें इन सब जो है पानी का बेहद कम हो जाना, जब पानी बेहद कम हो जाता, बहुत कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाना, ये दोनों हमारे अकाल और बाढ़, जैसे अकाल है और बाढ़, ये एक सिक्के के क्या है बच्चों, दो पहलू हैं। ये बच्चों, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, दादा नाना और चाचा और जो भी रिश्तेदार हमें पैसा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, झट से जाके गुल्लक बनाते हैं, उसी में डाल देते हैं। कई बार बच्चों हम इन जो पैसे को जमा करते हैं, तो इन पैसों को हम जो जमा करते हैं, तो इससे कई बार हमें कोई भी हमें जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने गुल्लक से निकाल लेते हैं। भंडार समृद्ध होता है, पानी का यह खजाना हमें दिखाता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन इस दौर एक ऐसा आया जब हम लोग चोरी छुपे खजाने का महत्व भूल गए हैं। जमीन के लालच में हमने तालाबों को कचड़ों से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर कहीं पर मकान बन गए हैं, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। बच्चों, ये सब चीज़ हम देख रहे हैं, पानी का हमें बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जब बाढ़ ये सब आता है तो लोग थोड़े से पैसों के लालच में क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास तालाब है, नदी नाले ये सब हैं, तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी से पटवा कर वहाँ पर अपनी दुकान खोल ले रहे हैं, मकान बनवा ले रहे हैं, चाहे जानवरों के रहने के लिए, अपने रहने के लिए हर तरह का वो इंतजाम कर लेते, बाज़ार भी कई जगह खोल देते, कई जगह सिनेमा हॉल खोल दे रहे, सब कुछ वो समतल करके और उसको मिट्टी पटवा कर बना लेते हैं। इससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती। बच्चों, ये जो ये सब कर रहे हैं लोग चोरी छुपे, ये सब हमको पता चल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसकी सज़ा मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल क्या होते हैं, जो पानी है वो सूख जाता है, बरसात के दिनों में रहते हैं तो लोग नदी नाले सबको मिट्टी से पाट कर वहाँ पर सब तरह तरह के दुकान स्टेडियम बाज़ार ये सब चीज़ बना दे रहे हैं, मकान बना दे रहे हैं। तो इस सब से हमें बचना चाहिए, ठीक है। बरसात के दिनों हमारी बस्तियां डूबने लगती, इसलिए हमें अकाल और बाढ़ जैसी का सामना करना पड़ता है। हमें आसपास जल स्रोतों की देखभाल करनी चाहिए। जो बच्चे ये हमारे जल स्रोत जिससे हमें पानी मिलते हैं, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उसको इस तरह से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जल चक्र हम ठीक से समझेंगे जब हम बरसात हो उसे थाम लें, हमारी भंडार सुरक्षित रखें, हमारे गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं होगी। बच्चों, जब हम ये सब चीज़ के बारे में जान लेंगे तो हमें ना तो पानी की दिक्कत होगी, ना ही हम बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं।